नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन, आप देख रहे हैं जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल डीटी न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। प्रदेश में विकास का मॉडल कहा जाने वाला छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1700 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर बहुत बड़ी सौगात दी है। अपने एक दिवसीय दौरे पर आए सीएम कमलनाथ ने 1460 करोड़ से बनने वाला 1200 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल व सेंट्रल जेल सहित अन्य निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। सीएम कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जल्दी छिंदवाड़ा में अन्य प्रदेशों से लोग इलाज कराने के लिए आएंगे, तो वहीं उन्होंने कहा कि विकास का अंतहीन होता है और यह जारी रहेगा। अभी मुझे छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ करना है। देखिए खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में आवश्यकता थी, पूरे इस क्षेत्र की आवश्यकता थी, आसपास के ज़िले की आवश्यकता थी कि मेडिकल कॉलेज के साथ एक ऐसा अस्पताल होए जो छिंदवाड़ा के लोग, सिवनी, बैतूल के लोग, जो नागपुर जिनको जाना पड़ता है उसकी आवश्यकता ना पड़े, वो छिंदवाड़ा आए अपने ट्रीटमेंट के लिए और वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का होए जो देश में सबसे आगे, सबसे गिने चुने वालों में से होए। मेरी तो ये मंशा है कि अब जैसे ये बन जाता है तो नागपुर से लोग छिंदवाड़ा आएंगे अपना इलाज कराने। जेल की कमी थी क्योंकि हमारी छोटी जेल थी, ये बहुत समय पहले बनी थी, तो जेल की आवश्यकता थी, तो इसलिए आसपास की जेलों को भी इससे राहत मिलेगी, तो एक नई प्रकार, एक नई मॉडर्न जेल बने। विकास यात्रा अंतहीन होती है सर। महाराष्ट्र का सभी की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। समस्त पार्षद दल की ओर से नगर निगम के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अरे हिलाओ मत यार तुम लोग तो आपस में। सोनी मैडम, ये जी इनका क्या काम है यार, उनका क्या काम है जो अंदर जा रहे हैं वो। Thank you.
मंच पर आसीन सभी अतिथिगण और माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है कि हम आपसे आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बनाए रखें। गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज केवल मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे जीवन का भी एक ऐतिहासिक दिन है। मैंने कई सालों पहले मन में सोचा था कि यहां एक ऐसा अस्पताल हुए, यहां मेडिकल कॉलेज बने। 15 साल से तो कोई और सरकार रही, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, पर जब यूपीए की सरकार 2014 में के आखिरी 2 महीने थे, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो केंद्र से हमारा छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई। और जब छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई, इसके साथ साथ कैसा हॉस्पिटल बने, कैसी योजना बने, किस प्रकार का बने, ये पिछले 5 साल में बड़ी धीमी रफ्तार से चलता गया। जब मैं पहले चुनाव में 79 में पहले चुनाव में जहां ये सब खड़े हैं, ये बच्चे हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ था, जब मैं सोच ही रहा था मैं क्या करूं, कैसा छिंदवाड़ा का हम निर्माण करना चाहते हैं, चुनाव भी नहीं हुआ था, कितनी सड़कें थी, कितनी टंकियां थी, जगह जगह जाकर ये मैं सुनता था। और उस समय मैंने तय किया था कि छिंदवाड़ा का अगर इतिहास हमें बनाना है, बदलना है, तो मुझे खुद को यहां से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और 80 से छिंदवाड़ा की विकास यात्रा शुरू हुई। 40 साल पहले हमारे 2000 गांव, हमारी इतनी बड़ी आदिवासियों की आबादी, ऐसे आदिवासी जिनको पता नहीं होता था कि वे रात का खाना कहाँ मिलेगा, जहाँ कॉलेज नहीं था, जहाँ स्कूल नहीं था, कोई तामिया में कॉलेज नहीं था, कोई बिछुआ में कॉलेज नहीं था, कितने स्कूल थे, लोग मांगते थे प्राइमरी स्कूल दे दो, प्राइमरी स्कूल दे दो, कहीं कहीं कहते थे मिडिल स्कूल दे दो, पानी की टंकी की मांग करते थे, कोई बड़ी मांग नहीं करते थे, कितनी पानी की टंकियां थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। ये सब संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ कि आपने जो मुझे प्यार और विश्वास दिया, मेरी जवानी से लेके आज तक जो आप सबने मुझे प्यार दिया, विश्वास दिया, ये ऐसा कोई सांसद या राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जिसको इतना प्यार और विश्वास मिला हो। संसद में तो 540 सांसद बैठते हैं, सही बात है ना, 540 सांसद बैठते हैं। मैं भी इतने साल आपने मुझे संसद में बिठाया, पर अंतर क्या था? बाकी जो थे वो तो वोट लेके आते थे, मैं प्यार और विश्वास लेके आता था, केवल वोट लेके नहीं आता था। और यही मेरी प्रेरणा थी, यही मेरी बल और शक्ति थी। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि यहां यहां टंकी बनेगी, मैंने घोषणा नहीं करी थी कि बड़ी रेल लाइन लगेगी, परासिया से छिंदवाड़ा तक और अब छिंदवाड़ा से नागपुर तक अगले जो 5 महीनों में कंप्लीट होने जा रही है, पूरी होने जा रही है, मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी। जब यह काम शुरू होने लगा तब सबको पता चला कि बड़ी रेल लाइन बन रही है। मैंने घोषणा कभी हाईवे की नहीं करी, मैंने तो शिलान्यास भी नहीं किया था,
मैंने कहा था कि जब बन जाएगी, जब बनना शुरू हो जाएगी, लोगों को समझ आ जाएगी ये बात। मैंने कभी इस प्रकार के हॉस्पिटल की भी घोषणा नहीं करी थी। आज हमारे जिले की जेल का भी शिलान्यास हुआ है। करीब 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, ये योजना बनी थी, ये प्रशासन ने बनाई थी, मुझे जानकारी भी नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की हम नई जेल बनाना चाहते हैं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा छिंदवाड़ा के लोगों को जेल नहीं चाहिए, छिंदवाड़ा के लोग जेल जाने वाले नहीं हैं, तो हमें जेल की आवश्यकता नहीं है। पर अब जब जो आंकड़े आए कि केवल छिंदवाड़ा की जेल की बात नहीं है, बहुत पुरानी जेल है सिक्योरिटी के हिसाब से, और पड़ोसी जिलों को इसकी ज्यादा जरूरत है कि जेल बने छिंदवाड़ा में,